दिल्ली की स्थिति भयावह बनी हुई है। खास तौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लगातार दंगे की, हिंसा की, दुकानें जलाने की, धार्मिक स्थल जलाने की, लोगों की जिंदगियां ले लेने की, ऐसी तमाम भयावह सूचनाएं मिल रही हैं। और इस हिंसा में हिंदू मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले की जान गई, धार्मिक स्थल जलाए जा रहे हैं, पत्रकारों को मारा जा रहा है, कोई नहीं बच रहा है, दुकानें जलाई जा रही हैं, घर जलाया जा रहा है, और यह सब कुछ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां की कानून व्यवस्था गृह मंत्री जी के अधीन है, जहां की कानून व्यवस्था को गृह मंत्री देखते हैं, केंद्र की सरकार देखती है, एक एक एरिया में जहां जहां हिंसा की जानकारी मिली, जहां जहां भी ऐसी वारदात दंगे की जानकारी मिली, पुलिस अधिकारियों को पूरी रात हम लोग सूचना देते रहे और उनसे कहते रहे, अनुरोध करते रहे कि आप पुलिस बल भेजिए, पुलिस बल भेजिए, और कई जगहों पर उन्होंने पुलिस बल भेजा, लोगों को निकालने का अपनी ओर से प्रयास भी किया। गृह मंत्री अमित शाह जी जागिए, आप मीटिंग बुलाते हैं सर्वदलीय, बैठक की औपचारिकता मात्र पूरी करते हैं, और आपकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? कपिल मिश्रा खुलेआम दंगे भड़काने की बात कर रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्मीनगर का विधायक अभय वर्मा, वो खुलेआम हिंसा भड़काने के लिए जुलूस निकाल रहा है। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र क्यों कि एक तरफ गृह मंत्री मीटिंग करते हैं हाई लेवल और दूसरी तरफ उनके नेता भड़काने की कोशिश करते हैं? उनकी एक महिला विंग की सोशल मीडिया की इंचार्ज है, वो लिखती है अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लिखती है कि दिल्ली के लोगों, फ्री बिजली, फ्री पानी की कितनी भारी कीमत तुमको चुकानी पड़ रही है, यह भाजपा की भाषा है। इसका मतलब अगर एक सरकार लोगों को राहत देने का काम करेगी, उसके आधार पर चुनी जाएगी, तो आप दंगे कराओगे, फसाद कराओगे और लोगों को धमकी दोगे कि यह कीमत तुमको चुकानी पड़ रही है, यह भाजपा की मानसिकता है, समझ के बाहर है किस तरह के लोग आ गए। बहुत सारे इलाकों से साथियों ने सूचना दी कि बाहर के लोग वहां देखे जा रहे हैं। बाहर के लोग कैसे आ गए, कैसे वो दिल्ली के अंदर घुस के दंगे भड़का रहे हैं? बॉर्डर एरिया को सील करने की मांग मुख्यमंत्री जी ने की, क्यों नहीं अब तक बॉर्डर एरिया सील किया गया? आज स्वयं मुख्यमंत्री जी ने पुलिस बल के तमाम प्रयासों के बावजूद अगर दिल्ली में दंगा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये भयावह स्थितियां लगातार अगर बनी हुई है, तो सेना क्यों नहीं बुलाई जा रही है? कर्फ्यू सभी एरियाज के अंदर क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? आज उन्होंने पत्र भी लिखा है इस संबंध में गृह मंत्री जी को कि आप सेना यहां पर भेजकर स्थिति पर नियंत्रण पाइए, स्थिति पर काबू कीजिए। आज मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर उन प्रभावित इलाकों में सेना लगाने की और कर्फ्यू जो भी एरिया बचे हैं जहां पर हिंसा चल रही है वहां पर कर्फ्यू लगाने की भी मांग की है। संडे के दिन अगर पुलिस चाहती तो इसकी शुरुआत इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हो सकती थी। पुलिस ने उस समय तत्काल जो एक्शन लेना था, चाहे वो मेट्रो स्टेशन के लोग प्रदर्शन करने वाले नीचे आए और चाहे कपिल मिश्रा जी मौजपुर चौक पर जिस तरह से गए और जिस तरह से वो घटना की शुरुआत हुई, मुझे लगता है कि पुलिस की अगर उस समय ऊपर से आर्डर होता तो उसी समय इस घटना को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन उसके बाद भी लोगों को चारों तरफ घटनाएं बढ़ने लगी और पुलिस की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई। बार बार बातचीत होती रही, एलजी साहब से हमने खुद बात की, पुलिस प्रशासन के लोगों से बात की, पुलिस कमिश्नर साहब को खैर पिछले 3 दिन हो गए लेकिन एक बार भी उन्होंने फोन उठाने की जद्दोजहद
उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, लेकिन और अधिकारियों से बात होती रही, लेकिन सब कुछ के बाद उपद्रवियों का उपद्रव दंगा नियंत्रित नहीं हुआ। बाबरपुर विधानसभा के अंदर गली नंबर 1, 2, 3 और मेन रोड पीतमपुरी पीतमगिरी धर्मशाला सुभाष मोहल्ला में फायरिंग होती रही रात में, और रात में एक बार पुलिस तो गई, उसने राउंड लगाया, उसके बाद 3 घंटे तक पूरा इलाका जो है वो दहशत गर्दों के और दंगाइयों के हवाले छोड़ दिया गया, कोई फोर्स वहां नहीं पहुंची। मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादातर रात में फायरिंग और मौत मुस्तफाबाद इलाके में हुई है। शिव बिहार तिराहा कमल बिहार शिव बिहार फेज 6 और 7 शमशान घाट नाला रोड शेरपुर चौक के पास ब्रिजपुरी पुरिया यहां पर जो है लगातार रात भर आगजनी की घटना और फायरिंग की घटना हुई है। करावल नगर में विधानसभा में सोनिया बिहार तीसरा पुस्ता मिलंद गार्डन चांदबाग करावल नगर रोड खजूरी पुस्ता ए ब्लॉक सोनिया बिहार में घटनाएं होती रही रात भर। उसके बाद गोकुलपुर विधानसभा में शिव बिहार तिराहा जो पुड़िया है डबल ये पुड़िया जो शिव बिहार की है रात में जैसे पहले मौजपुर सेंटर था रात में शिव बिहार तिराहा जो है सेंटर बना वो 3 विधानसभाओं का केंद्र है मुस्तफाबाद करावल नगर और गोकुलपुर और वहां पर खास तौर से यूपी से लोग रात में एंटर किए और वहां पर रात भर फायरिंग हुई है बहुत सारे लोग मरे हैं वहां पर। भागीरथी बिहार में गली नंबर 6 इंदिरा बिहार में गली नंबर 11 चमन पार्क में गोंडा विधानसभा में सुभाष मोहल्ला गड्ढे वाली मस्जिद गोंडा रोड गढ़ी गांव गावड़ी गांव और रोहतास नगर में अशोक नगर में घटना हुई है। ये सारी रात भर घटनाएं चलती रही पुलिस से लगातार कॉन्टेक्ट हम लोग करते रहे सबने बात की लेकिन वहां पर एक राउंड पुलिस ने गश्त किया और उसके बाद जो है सारा सन्नाटा फैला रहा। रात में लोगों को एम्बुलेंस के लिए भी दिक्कत होती रही कि एम्बुलेंस जो है वहां जाने के लिए रास्ते नहीं थे आगे बंद कर दिए गए थे और पीछे से रास्ता नहीं था कि दिल्ली के अंदर जो आग लगी है जो इस तरह से फायरिंग हो रही है हत्याएं हो रही है सरेआम और ये कोई धार्मिक मामला नहीं बचा हर धर्म के लोग मारे जा रहे हर धर्म के लोगों की दुकानें जल रही है मकान जल रहे किसी एक धर्म का मसला नहीं है आज पूरी इंसानियत जलाई जा रही है और इसलिए इस पर तुरंत अब नियंत्रण करने के लिए सेना को यहां लगाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और इसलिए आम आदमी पार्टी भी ये मांग कर रही है कि दिल्ली के अंदर शांति बहाली के लिए अमन चैन बहाली के लिए लोगों को जिंदगी को बचाने के लिए दिल्ली के अंदर सेना को लगाया जाए जिससे तुरंत पूरी स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके।